ये आन बान और शान तो आपको आज भी गर्व का अनुभव करवाती होगी। जापान की रेल को टक्कर देने वाली हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, तो यही ट्रेन आपको एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अगर इस नवरात्र आप माता वैष्णो देवी के मंदिर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा ये वीडियो देखने के बाद ही प्लान करें, क्योंकि आपकी ये यात्रा अब बेहद ही आसान, सुखद और साथ ही साथ आलीशान भी हो सकती है। दरअसल दिल्ली से कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी नवरात्र ये ट्रेन माता के भक्तों को कटरा तक आन बान और शान के साथ पहुंचाने लगेगी। इसी नवरात्र के बीच रेलवे द्वारा इस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। जिन भी श्रद्धालुओं का माँ वैष्णो के मंदिर का सफर दिल्ली या हरियाणा से होकर गुजरता है, वे सभी इस ट्रेन का फायदा ले पाएंगे। दिल्ली से बनारस के बीच चल रही देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। हो सकता है कि इस ट्रेन की शुरुआत भी पीएम मोदी खुद ही करें, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इस तरह की ट्रेनें भारत में चलाना ये पीएम मोदी का ही सपना है। रेलवे बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे चलेगी और दोपहर 2 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ये दोपहर 3 बजे कटरा से चलकर रात 9 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। तो इस नवरात्र ये भजन गाने के लिए तैयार हो जाइए कि चलो बुलावा आया है, माँ वैष्णो ने वंदे भारत से बुलाया है।